So what's up everybody and welcome to a new vlog of my channel. My name is Saurabh and I hope you guys are doing absolutely fine. So अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमें एक अभी इवेंट में जाना है, तो which is a very special event. तो इसके ये इवेंट कौन सा है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, दैट आई विल गिव यू ऑन द रूट. बट जो ये इवेंट है दैट इज़ एन आउटडोर इवेंट और काफ़ी मतलब रिनाउंड है, काफ़ी स्पेशल है. तो आउटडोर इवेंट है बट इवेंचुअली आज जो वेदर प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं, मैं कल रात से चेक कर रहा था, ये दिखा रहे हैं कि इसके अंदर आज मतलब आज बारिश के प्रिडिक्शन हैं, तो बारिश भी हो सकती है. वी आर होपिंग कि हम टाइम से पहुंच जाएं और बारिश भी ना हो, तो और वी गेट मतलब हम इसको इंजॉय भी कर पाएं इस इवेंट को. तो ये है, तो इसके लिए हमें अपने रेनकोट वगैरह लेके जाना पड़ेगा साथ में. तो विदाउट फर्दर डू पहले हम तैयार होते हैं एंड देन आई विल कैच यू ऑन द रूट. तो अभी द टाइम इज़ 8:50 और हम धौला कुआं पहुँचने वाले हैं और परेड जो शुरू होगी वो 9:00 शुरू होगी. तो लेट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज सुबह से ऐसे प्रिडिक्शन थे कि बारिश हो जाएगी, तो कंफर्म नहीं था कि हम जाएंगे, जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे, और ऊपर से हमने रेनकोट भी नहीं मिला अभी हमारा. तो अगर बारिश होगी तो वापसी आ जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं. अभी बाकी सुरभि हैंडल करेंगे क्योंकि गाड़ी चलानी है. सो वी आर हेयर, हम जा रहे हैं, हम एक्चुअली जा रहे हैं देखने फुल ड्रेस रिहर्सल होती है ऑफ द रिपब्लिक डे परेड मेन 26. सो द फुल ड्रेस रिहर्सल एक या दो दिन पहले होती है एंड सो वी आर लुकिंग फॉर दैट. हमारा बहुत ही दो वी हैड द पासेस एंड बट बिकॉज ऑफ द वेदर वी वर सो डाइसी कि हम जाएं कि ना जाएं. सो वी आर जस्ट टेकिंग अ चांस, हम जा रहे हैं और अगर बारिश होगी तो वापस आ जाएंगे. तो सीन अभी ऐसा है कि हमारे पास रिपब्लिक डे जो परेड है उसके पासिस तो है, बट जो पार्किंग है उसके पासिस नहीं है. तो हमने जो गाड़ी है अपनी वो लगाई है एयरफोर्स स्टेशन में, क्योंकि हमारी जो बहन है वो एयरफोर्स ऑफिसर है, तो यहाँ तो गाड़ी लग गई है. अब हम ऑटो का वेट कर रहे हैं और ऑटो से हम जाएंगे टू दैट सेंटर जहाँ पर परेड स्टार्ट होनी है. प्लान चेंज हो चुका है, जहाँ हम पहले जा रहे थे उसका हमने ऑटो लिया था, पर वहाँ से उन्होंने जो ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि वहाँ से बिल्कुल उल्टा पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप जाओ और गाड़ी लेके अपनी लिमिडन के पास पार्क कर दो, क्योंकि वहाँ से पास में है हमारा गेट जिसमें जाना है. तो हम गाड़ी में बैठे हैं इस समय वापसी एयरपोर्ट स्टेशन आके. तो बात ऐसी है कि ये भी हमारा कट रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं भी जैसे पहले हमने ऑटो लिया, ऑटो को जाने नहीं दिया, फिर उसके बाद हम अपनी गाड़ी लेके गए, तो उन्होंने बताया कि जिस भी रोड पे जा रहे हैं सब रोड बंद कर दिए हैं और 10 बज चुके हैं. हेलो. और हमें भी उन्होंने बोला कि खान मार्केट पहुँच जाओ. 15 खान मार्केट पहुँचने के बाद वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, और वॉकिंग डिस्टेंस पता है कितना, मतलब यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर है जो हमें चलना है अभी. तो फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि आज हमारा कट चुका है. हमारे पास रिपब्लिक डे परेड के पासिस तो हैं बट कार पार्किंग वाले पासिस नहीं हैं, और वो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना कहीं एंट्री नहीं मिलेगी जाने के लिए. तो हम खान मार्केट में गाड़ी पार्क करी, सीधा गए पहले चलते हैं मानसिंह रोड. वहाँ पर जाके पता चला कि वहाँ पर 1 से 8 नंबर तक है, और हमारे पास हमारा जो नंबर है दैट इज़ 15, तो मतलब उस रोड पे था ही नहीं, वो राजपथ क्रॉस करना पड़ता तो जाना पड़ता, और वैसे भी अब सब बंद हो चुका था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की ब्रेड तो निकल ही चुकी है, तो नो पॉइंट. कट गया पोपट. चलो वील हैव गुड ब्रेकफास्ट कहीं पे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या कैफे में, देखते हैं अभी और फिर देखेंगे क्या होता है.
कम टू लोपेरा जो खान मार्केट में है, और यहाँ से वी आर हैविंग कॉफ़ी और थोड़े से ऐसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ डिशेस. फिर देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ सिटिंग एंड हैविंग द फूड, सो पैक कराओ और गाड़ी में बाहर बैठ के खाओ, ये सीन है. सो वी आर हैविंग आवर स्मॉल पिकनिक ओवर हेयर. इतनी बेइज्जती के बाद, इतना पूरा दिन होने के बाद ये बनता है. तो अभी हमने लोपेरा से ये मंगवाया है. दिस इज मशरूम टार्ट और एक है हमारे पास ये क्या, टोमेटो एंड बेसिल. दिस इज टोमेटो एंड बेसिल मशरूम टार्ट एंड टोमेटो एंड बेसिल, और साथ में वी हैव टू कॉफीज. भैया बढ़िया लगी बहुत. भाई अब मौसम पूरा खुल चुका है और मुझे लग नहीं रहा कि बारिश के चांसेस होने वाले हैं, तो छोड़ो जो भी था आप कुछ कर नहीं सकते. और अब हमने जस्ट अभी ये खाया है, सुरभि अंदर गई है वो पैक कराने के लिए मॉम डैड के लिए, और बस ये लेके हम जाएंगे घर. पर नो डाउट भाई एक नंबर का इसका खाना था, एक नंबर. आई रियली लाइक इट, काफ़ी मज़ेदार. पेरा से ब्रेकफास्ट करके अभी वी आर गोइंग बैक टू आर होम. सुरभि कर रही है कुछ जुगाड़ ताकि थोड़ी डे परेड की मिल सके क्लासेस, पर कुछ पता नहीं है. Two hours later. तो अभी हम बस सो के उठे हैं क्योंकि मिली ने पूरी रात हमें कुछ सोने नहीं दिया था. अब मैंने बताया था कि ये 2-3 बजे इसको वॉशरूम जाना का हो गया था, फिर उसके बाद ये चली गई थी, फिर उसके 6 बजे तक ऐसे भौंकना शुरू हो गई 6 बजे, तो पूरी रात तो हम सो नहीं पाए. फिर उसके बाद आज सुबह सुबह उठ के हम चले गए थे परेड देखने के लिए जो हमारा इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छा वाला. तो फिर हम अभी जस्ट उठे हैं और अभी जो हम लोपेरा से वो टार्ट लेके आए थे एप्पल टार्ट, और चाय वाय पियेंगे, एप्पल टार्ट खाएंगे, और इसको फिर बाहर जाने का हो रहा है. मिली बेटा, मिली हट जा यार, हटो हटो. मिली को मेरे हाथ में एप्पल टार्ट दिख रही है और इसके पीछे पड़ी हुई है. मिली हट जा, मिली हटो, बड़ी ढीठ है. मत देख तुम, छोड़ छोड़ छोड़. अरे नो, अच्छा सिट, ओके सिट सिट सिट, बस बेटा बैठ जा. सिट सिट सिट, हाथ हाथों से करने लगी. देख सिट 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 सिट, अच्छा सिट सिट सिट, बिल्कुल लास्ट ऐसे ब्रेड दे. देख सिट हो जा, देख सिट. वो कह रही हाथ मत हटाओ अपने. मिली मीठा है यार ये ज्यादा. हाँ मिली, बस नहीं दे रहे थे. देख अभी 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 टाइम हुआ है 12:30, और मैंने थोड़ी देर पहले ही मतलब लाइक 8 o'clock पर डिनर कर लिया था, उसके बाद मेरी क्लास थी तो वो क्लास अटेंड करके मैं जस्ट अभी मतलब बेड के अंदर गया ही था सोने के लिए, और जैसे ही सोने के लिए गया तो मिली मैडम का रोना शुरू हो गया. ये इधर इसको फ्रेश होना है फिर से. इसने कुछ करना वरना है नहीं, वैसे ही रात को घुमाने का शौक आ गया ऐसे. फाइनली हम घर आ गए हैं, इट्स 1 o'clock राइट नाउ, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो 1:10 है. इसने हमें कम से कम 40 मिनट्स घुमाया. पहले हम इसको मतलब घर के पास में घुमा रहे थे, बट उसके बाद
ये वहाँ फ्रेश नहीं होते, इसको आदत पड़ गई पार्क में जाने की। तो फिर इसको पार्क में लेके गए, फिर इसने आधा घंटा घुमाया पूरा बैठ के, बैंड बजी हुई है। दो रातों से मैं सोया नहीं हूँ सही से, क्योंकि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था अपने सफ़र फिरा चैनल के लिए, जो कि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग वाला है, तो उसके लिए कर रहा था। तो दो रात से मेरी ऐसी गई हैं। अब जब आज मन था कि जल्दी सो जाऊँगा, तो आज भी मैडम ने पूरा घुमाया, पूरी परेड ली हमारी। चलो जो भी है, तो ऑल एंड ऑल आई विल एंड द व्लॉग एट दिस नोट। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, अभियान तो